हेलो एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट रेखा मात्रे एंड यू आर वाचिंग गेट लू। आज हम करेंगे पावर योगा जिससे हमारी पूरी बॉडी का फैट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा और स्पेशली इस योगा से आपका जो बेली फैट है उसे रिड्यूस होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे तो मेरे सारे ही वीडियोस में मैं अपनी जान डाल देती हूँ आप तक छोटे से छोटे पॉइंट को पहुँचाने में, फिर चाहे वो न्यूट्रिशन की वीडियो हो या वर्कआउट की वीडियो। और अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सही तरीके से आप तक पहुंचा पा रही हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपको इस तरह से खड़े हो जाना चाहिए, आपके दोनों पैरों में हिप विथ गैप होना चाहिए, मतलब आपके पैरों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आपके हिप के साइज के हिसाब से होना चाहिए। अब आप मैट के एक साइड आके खड़े हो जाएंगे, पीछे ज़्यादा मैट छोड़ देंगे, बॉडी को पूरा सीधा स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर दोनों हाथों को लेकर जाएंगे और बिल्कुल लॉक कर देंगे, बॉडी को एकदम टाइट रखेंगे, लंबी सांस भरनी है और आपको राइट साइड अपनी बॉडी को सांस छोड़ते हुए बेंड करना है राइट साइड की तरफ। इस पोस्चर को आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और जितने भी इस योगा सर्किट में हम पोस्चर्स करेंगे उन सबको ही आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। जब हमारा पूरा ये योगा का सर्किट एक राउंड ख़त्म हो जाएगा तभी हम 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए आपको नेक्स्ट पोस्चर में एंटर करना है। अब आप अपनी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। जब आप किसी भी पोस्चर को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे आपको अपनी ब्रीथ नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल ब्रीथ करनी है आपको। सांस को दबाकर या मुंह को दबाकर ब्रीथ को होल्ड कर बिल्कुल भी नहीं रखना है, ब्रीदिंग नॉर्मली करते रहना है। लंबी सांस भरते हुए पोस्चर से आपको बाहर निकलना है और सांस को छोड़ते हुए नेक्स्ट पोस्चर में आपको एंटर करना है। हमारा थर्ड पोस्चर है जिसके लिए आपको अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है और अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है या फिर आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है, डॉक्टर ने आपको पीछे की तरफ बेंड होने के लिए मना किया है, तो ये पोस्चर आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते तो आप थोड़ा बेंड कीजिए। सांस को भरते हुए पोस्चर को रिलीज करना है और नेक्स्ट पोस्चर में सांस छोड़ते हुए आपको एंटर करना है। इस पोस्चर में आपको अपनी पूरी अपर बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है, आगे की तरफ पूरा अपर बॉडी बेंड कर देनी है, हाथों को पूरा रिलैक्स छोड़ देना है। क्योंकि हमने दोनों साइड अपनी बॉडी को बेंड किया, फिर हमने पीछे बेंड किया, अब आगे जब हम बेंड करेंगे तो हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। इस पोस्चर में भी आपको ब्रीथ नॉर्मल ही रखनी है। नेक्स्ट पोस्चर के लिए आपका एक हाथ आप ऊपर सीलिंग की तरफ उठाएंगे, आपका जो सर होगा आप ऊपर की तरफ अपने हाथों की तरफ आपको देखना है और दूसरे हाथ से आपको अपने अपोजिट लेग को पकड़ लेना है। आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड से आप अपने लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, पैर को कस के पकड़िए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बॉडी को बेंड कर पाएँ। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा बेंड होने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला पोस्चर है हमारा अश्व संचालन आसना, इसे लॉन्ग लंज भी बोला जाता है। इसमें एक पैर आपका पीछे जाएगा, दूसरा आपका लंज की पोजिशन में होगा, लंजेस जिस तरह से हम करते हैं, दोनों हाथ आपके आगे वाले पैर के साथ रहेंगे, आपकी जो चिन है वो ऊपर की तरफ आपको उठा के रखनी है, सीलिंग की तरफ आपको देखने की कोशिश करनी है। ब्रीथ आपको बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, सांस को भरते हुए पोस्चर से रिलीज करेंगे और नेक्स्ट पोस्चर में हम मूव करेंगे। ये आसन पर्वता आसन की तरह ही किया जाता है लेकिन इस आसन में हम हमारे एक पैर को ऊपर उठा लेते हैं क्योंकि ये पावर योगा है और इसमें थोड़ा सा एफर्ट हर एक आसन में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल योगा। सांस आपको लेते रहना है, मुंह को आप बिल्कुल भी दबाकर नहीं रखेंगे वरना आप इनमें से कोई भी आसन सही तरीके से और टाइम के साथ नहीं कर पाएंगे। अगला आसन है हमारा पुशअप प्लैंक होल्ड। ये आसन काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है
तो आप इस आसन को इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका बिगिनर प्लैंक होल्ड। बॉडी आपकी फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए फ्लोर से आपकी बॉडी, जब आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। अगला आसन हमारा भुजंग आसन की तरह है, लेकिन भुजंग आसन में आपकी जो लोअर बॉडी है वो फ्लोर को टच हो जाती है, लेकिन इस आसन में जैसे कि मैंने बताया ये पावर योगा है, पावर योगा नॉर्मल योगा से एक लेवल अप होता है, इसलिए इस पोस्चर में आपकी पूरी बॉडी को आपको हवा में रखना है, आपके सिर्फ पैर और हाथ ही फ्लोर को टच करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे सिर्फ पंजे और हाथ ही फ्लोर को टच कर रहे हैं। अब हम फिर से प्लैंक पुशअप पोजीशन में आ जाएंगे। जिस तरह से वन बाय वन हमने सारे पोस्चर्स में एंटर किया, उसी तरह से वन बाय वन हम सारे ही पोस्चर्स से बाहर निकलेंगे। ब्रीथ को आपको नॉर्मल रखना है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से करेंगे, अगर आपको एडवांस आता है तो आप पुशअप प्लैंक होल्ड करेंगे।
बढ़ते हैं हमारे सेकेंड राउंड की तरफ। इस राउंड में भी सारे पॉस्चर्स सेम होंगे, लेकिन इस बार मैं आपको फ्रंट साइड से करके दिखा रही हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करें। हर एक पॉस्चर को आपको किस तरह से होल्ड करके रखना है, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से आपको एक पॉस्चर में से दूसरे पॉस्चर में मूव करना है, ये सारी बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि योगा में ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, आपके पॉस्चर सही नहीं हैं, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए। इसीलिए कभी भी वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और फिर ही आपको एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है हर एक एक्सरसाइज में, और जब आप एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज में स्विच करेंगे तो सांस लेते हुए एक्सरसाइज से बाहर निकलना है और सांस छोड़ते हुए अगले पोस्चर में आपको एंटर करना है। और सारी ही बातें पूरी डिटेल में मैंने फर्स्ट राउंड में समझा दी हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है योगा को सही तरीके से समझना और सही तरीके से करना। Thank you.
राउंड 3, और ये तीनों ही राउंड आपको हर रोज़ करने हैं। 10 दिन तक आपको ये लगातार करना है और आपकी बॉडी बिल्कुल स्लिम हो जाएगी, शेप में आ जाएगी, आपका बेली फैट कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। 25 मिनट्स के इस योगा के साथ अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, स्किन और हेयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, वेट लॉस, फैट लॉस सब कुछ मिलेगा। लेकिन 10 दिन तक हर रोज़ आपको ये तीनों राउंड कंप्लीट करने हैं, जिस तरह से बताया गया है, गाइडलाइंस जो भी दिए गए हैं उसी तरह से करना है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना वेट लॉस करना, तो 10 दिन तक तो ये योगा और एक हेल्दी डाइट प्लान आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर इस योगा सर्किट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे कमेंट्स डालने के लिए वापस ज़रूर आइएगा।
वर्कआउट खत्म होने के बाद आप स्ट्रेचिंग का स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी बॉडी ज़्यादा हद तक पेन हो सकती है। उसके बाद आप पानी पिएंगे, जितना भी आप पानी पी सकते हैं या पीना चाहते हैं, आधा लीटर, एक लीटर, क्योंकि वर्कआउट करते वक्त हमारी बॉडी में से स्वेटिंग होती है, पानी कम हो जाता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमारा किसी भी वर्कआउट के बाद पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीने के आधे घंटे बाद आप अपना हेल्दी न्यूट्रिशन रिच मील ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय।